कंपनीज के कुछ ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट्स जो आपको इंडिया में देखने को ही नहीं मिलेंगे। जैसे इस मूवी को देखकर पुलिस ने असली वाले क्रिमिनल्स को पकड़ लिया। क्यों पहले बस इस चूहे को मारने के लिए असली तोपों का इस्तेमाल किया जाता था, और कैसे कुछ रियलिटी शोज में रियलिटी छोड़कर सब कुछ दिखाया जाता है। अगर आप बिग बॉस देखते हो तो इस वीडियो को आप भी लाइक कर दो। नंबर 22, अगर आप बेकार मूड में हो तो आपको खुद को फोर्स करना है स्माइल करने के लिए, तो आपका मूड ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर पा रहे तो फिर भी आपको फोर्स करना है खुद को स्माइल करने के लिए, तो आपका मूड धीरे धीरे एकदम नॉर्मल हो जाएगा। नंबर 21, ये जो महिला हैंड साइन से बात कर रही है असल में ये फ्रॉड है। आपको बता दूं कि इसे साइन लैंग्वेज नहीं आती है, दरअसल ये बस पैसों के लिए हाथ हिलाने का नाटक कर रही थी कि इसे साइन लैंग्वेज आती है, पर सच कहूं तो एक्टिंग बहुत कमाल की है। नंबर 20, इस कमर्शियल को देखिए, ये बताता है कि कार कितनी ज्यादा इनएफिशिएंट है। लॉन्ग डिस्टेंस जाने के लिए तो सही है, लेकिन अगर आसपास भी ट्रैवल करने के लिए कार यूज करेंगे तो आप इसमें देख सकते हो कि वो कितनी ज्यादा जगह लेती है। नंबर 19, कई बार हम दूध या चाय गैस पर रख कर भूल जाते हैं और फिर वो उबल जाते हैं, लेकिन अगर आपको इस चीज को रोकना है तो आपको कुछ नहीं करना बल्कि बर्तन के बीचों बीच एक वुडन स्पून रख देनी है। इसके बाद वो चाय या कॉफी वो कुछ भी करने पर उबल के बाहर नहीं गिरेगी। नंबर 10, इस बनाने के ऑपरेशन को देखो, ये पूरी तरीके से रिमोट वे में किया गया था, वो भी 5G का इस्तेमाल करके। यानी ये जो ऑपरेशन हो रहा है इसमें डॉक्टर कुछ भी नहीं कर रहा है बल्कि सब ऑटोमेटिक हो रहा है इंटरनेट की मदद से, और फ्यूचर में ऐसे और कई गैजेट्स आएंगे जो डॉक्टर्स का काम आसान कर देंगे। नंबर 17, एक बार जरा इस माउस ट्रैप को देखिए, ये माउस ट्रैप नहीं बल्कि एक चूहा मारने के लिए पूरा कैनन है। भाई चूहे ने ऐसा क्या कर दिया कि ये लोग इसको ऐसा मार रहे हैं? वैसे ये अमेरिका का है तो ज्यादा शॉकिंग बात नहीं है। नंबर 16, अगर आपको सोने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपने रूम को ठंडा कर देना है, क्योंकि कई स्टडीज में पता चला कि रूम जितना ज्यादा ठंडा होता है उतनी जल्दी और अच्छी नींद आती है। नंबर 15, जापान के एक ज़ू में पेंगुइन के खाने के पैसे बचाने के लिए उन्होंने सस्ती मछलियां खरीदी, वो भी बहुत बड़ी बिड में, ताकि ये मछली और भी ज्यादा सस्ते मिले। लेकिन जब पेंगुइन थे उन्होंने इन मछलियों को खाने से ही मना कर दिया, क्योंकि पहले उन्हें ज्यादा बेटर क्वालिटी की मछली मिलती थी, तो वो सस्ती वाली खाने से मना कर रहे हैं। भाई जानवर भी सच में इंसान जैसे ही होते हैं। नंबर 14, एक बार इस बच्चे की जिम को देखो, ये सच में एक डिवाइस था जो कि 19 सेंचुरी में बनाया गया था, और इसका मेन पर्पस था बच्चों के लेग मसल को डेवलप करना। उन्हें लगा कि अगर बच्चे को ऐसा खेलने दिया जाएगा तो उसके पैर बहुत ज्यादा मजबूत होंगे, लेकिन ऐसा कोई खास रिजल्ट नहीं दिखा। नंबर 13, एक स्टडी में पाया गया कि न्यू जनरेशन के ऑलमोस्ट 70% लोग उठकर सबसे पहला जो काम करते हैं वो है इंस्टा खोलना, और ये क्लियरली बताता है कि लोग कितने ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं सोशल मीडिया से। नंबर 12, जो लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं ना उनका पेशेंस बहुत हाई होता है, वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके के पेन अच्छे से संभाल पाते हैं, इसलिए आपको भी हंसना शुरू कर देना चाहिए, ऐसे आपका पेन टॉलरेंस और भी बढ़ जाएगा और ये बात आप नोटिस भी नहीं करोगे। नंबर 11, क्या आप ये जानते हो कि ऐसे कंप्यूटर्स भी हैं जो हमारी आंख झपकाने की स्पीड से भी ज्यादा तेज काम करते हैं? ऐसे कंपनी के प्रोग्राम्स हैं जो स्टॉक्स को ट्रेड इतना जल्दी करते हैं कि हमारे ये आंख झपकाने की स्पीड से भी ज्यादा तेज होती है। ये तो ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हो कि आप स्टॉक्स ट्रेड करके 90% प्रॉफिट कमा सकते हो? मैं आज आपको बायनोमो के एक्साइटिंग ट्रेडिंग एडवेंचर के बारे में बताऊंगा। बायनोमो एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है जो फास्ट प्रॉफिटेबल अर्निंग्स ऑफर करता है। आप बायनोमो में ट्रेडिंग को एक्सपीरियंस करके 90% प्रॉफिट कमा सकते हो। बायनोमो के यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म से आप अपने लिमिट्स टेस्ट कर सकते हो। सिर्फ 15 सेकंड में आप बायनोमो में अकाउंट खोल सकते हो और 3 से 5 मिनट में ओपन करिए रियल डील्स और स्टार्ट करिए अर्निंग्स। आप बायनोमो के यूनिक 5 सेकंड मोड से आप 5 सेकंड में क्विकली अर्न कर सकते हो। अभी मैं आपको 3 ट्रेड लगातार करके दिखाता हूँ। वाह भाई, ये तो सक्सेस है। वाह भाई फिर से सक्सेस। आप बायनोमो के टूर्नामेंट्स में पूरे साल पार्टिसिपेट कर सकते हो और कम्पीट कर सकते हो और एडवांस यूजर स्टेटस को रीच कर सकते हो। बायनोमो अनलिमिटेड डेमो अकाउंट्स ऑफर करता है, इजी ट्रेडिंग और प्राइसेस भी बिगिनर्स के लिए। तो क्या भाई आप तैयार हो अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए? तो रियल अकाउंट में टॉप करें और ट्रेडिंग स्टार्ट करें। आप इसमें अपने फंड्स कभी भी विड्रॉ कर सकते हो क्योंकि इसमें 24/7 अवेलेबिलिटी है। तो आज ही स्टार्ट करिए अपना ट्रेडिंग एडवेंचर बायनोमो के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्टर करो एंड ज्वाइन करो ट्रेडिंग वर्ल्ड को। नंबर 11, भाई इसे देखो, ये है एक फैन जो कि होलोग्राफिक इमेज को बनाता है, और ये इतना ज्यादा कमाल का डिवाइस है कि ये बिल्कुल 3D ऑब्जेक्ट्स को बनाता है, और इसे देखकर लगता है कि ये चीज लिटरली हमारे सामने हवा में उड़ रही है, क्योंकि ये फैन इतना फास्ट घूमता है कि इसके जो पंखे होते हैं वो ऑलमोस्ट गायब हो जाते हैं और हमें बस बीच का 3D ऑब्जेक्ट ही दिखता है। नंबर 10, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए पुलिस ने 200 IQ मूव किया था। उन्होंने 1985 में सारे
क्रिमिनल्स के नोन एड्रेस पर सुपर बॉल यानी कि इस गेम के टिकट्स बेचते जो कि बहुत महंगी होती है, और ऑफकोर्स ये मौका कोई भी नहीं गवाना चाहता था। तो सारे क्रिमिनल्स इस सुपर बॉल के मैच को देखने आ गए, और बस ऐसा करके 3000 क्रिमिनल्स को एक साथ पकड़ा गया था। नमनायन, हमें लेजर ट्रांसपेरेंट लाइट का अफसोस लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लेजर पानी में ट्रैप हो सकती है, खासकर वॉटरफॉल में। जरा इस फोटो को देखो, आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्चुअली में लेजर में पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि पानी को अपने साथ ले जाते हैं। नेवेट, आपको पता होगा कि एक उम्र के बाद लोग अपना बैलेंस खो देते हैं और कई बार गिरते रहते हैं। तो इस सेफ्टी वेस्ट को देखिए, जैसे ही वेस्ट को सिग्नल मिलता है कि ये बुजुर्ग आदमी गिरने वाला है, तो ये पूरा कंफर्टेबल डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है जिससे उन्हें चोट लगने से बच जाती है। नेमसन, हमें लगता है कि जब हम थक जाते हैं तब हम उबासी लेते हैं, या फिर जब हमें नींद आती है तब हम ऐसा करते हैं, पर साइंस को अभी तक नहीं पता कि हम उबासी लेते ही क्यों है। पर इसका एक कॉमन सा गेस किया गया है कि शायद उबासी लेने से हमारा दिमाग कूल डाउन होता है, पर रियल रीजन अभी तक अननोन है। नंबर 6, आपको पता है कि जो सबसे बड़ा डाइवोर्स होने का रीजन है वो क्या होता है? चीटिंग? नहीं, वो है पैसे। ब्रेकअप्स और डाइवोर्सेस पैसे से रिलेटेड कोई ना कोई इशू की वजह से हो ही जाते हैं। नंबर 4, आइसलैंड एक ऐसा देश है जो कि सबसे ज्यादा कोको कोला कंज्यूम करता है। देखने में गूगल मैप पे ऐसा नहीं लगता, लेकिन बाकी किसी भी नेशन के मुकाबले यहाँ पर पर्सन सबसे ज्यादा कोको कोला पिया जाता है। नंबर 4, यार इन माइंड ब्लोइंग स्ट्रक्चर्स को देखो। ये डच आर्टिस्ट ने ये कमाल के स्कल्पचर्स बनाए हैं जो कि विंड एनर्जी से चलते हैं। ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी पर नहीं चलते हैं, बल्कि बस विंड एनर्जी की वजह से और कुछ कमाल के फिजिक्स को अप्लाई करके ये स्ट्रक्चर पूरे बीच पर चलते रहते हैं। नंबर 3, आपने नोटिस किया होगा नहीं ये नहीं पता, लेकिन अगर आप प्रिंगल्स को आज खरीदोगे तो आप देखना कि इनके प्रिंगल्स के चिप्स छोटे हो गए हैं। आप जब बाहर से दिखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये छोटे हो गए हैं, क्योंकि इनका पैकेट का साइज सेम है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली एक चिप को निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपैरेटिवली आज के मुकाबले पहले ज्यादा बड़े चिप्स आते थे, जैसे कि आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हो। नंबर 2, भाई कुछ ऐसे रियलिटी शोज हैं जिनमें रियलिटी छोड़कर आपको सब कुछ मिल जाएगा। पहले है डांसिंग और सिंगिंग टीवी शोज। आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग गरीब या जिनकी बहुत दुख भरी कहानी होती है उन्हें ही दिखाया जाता है, और इन्हें जानबूझकर दिखाया जाता है। लाखों रुपए खर्च करके इनकी स्टोरी शूट की जाती है इनके घर जाकर, ताकि ये सब देखकर आप इनसे कनेक्ट करो और सोचो जब ये जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता। ये ऐसी स्टोरी जानबूझकर सेलेक्ट करते हैं ताकि आप इमोशनल भी हो जाओ, आपको इस शो में जाने का थोड़ा मोटिव भी मिल जाए। बिग बॉस सीजन 11 में हीना खान एक जगह रो रही है, लेकिन जब एक बंदा उन्हें चुप कराने आता है तो वो कैमरे के सामने बैठ जाता है, तभी हीना खान उसे कैमरे के आगे से हटने को कह देते हैं। अरे दीदी, रोना है या फुटेज चाहिए? असल में बिग बॉस बाकी शोज की तरह स्क्रिप्टेड होता है। ऐसा मैं नहीं, बल्कि ऐसा बहुत सारे बिग बॉस के पुराने कंटेस्टेंट्स ने बोला है। और बिग बॉस ओटीटी में इस बार भी कहा जा रहा है कि पूजा भट्ट के पास घर में मोबाइल है। मैन वर्सेस वाइल्ड के एक एपिसोड में बियर ग्रिल्स एक वीरान जगह पर जाते हैं, जहां वो बता रहे होते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कैसे डील करना है। लेकिन उसी जगह पर एक बंदे ने जाकर दिखाया तो पता चला वहां तो खुले आम कहा चल रहे हैं और साइड में ही रोड है। पर अब इस एक सीन की वजह से पूरा शो फेक है, ये बोलना सही नहीं होगा। नंबर 1, कंपनीज के कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमें इंडिया में देखने को मिलते ही नहीं, जैसे कि किटकैट का इंडिया में सिर्फ एक ही फ्लेवर ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन उसके एक कंट्री में 300 से भी ज्यादा फ्लेवर है। किटकैट का इंडिया में ज्यादातर चॉकलेट फ्लेवर देखने को मिलता है, लेकिन जापान में इसके 300 से भी ज्यादा ट्रेडिशनल फ्लेवर देखने को मिलते हैं। मतलब रोज एक फ्लेवर भी चेक करोगे तो 10 महीने कम से कम लगेंगे हर एक टेस्ट को चखने के लिए। एप्पल आईफोन के लिए इंडिया में लोग इतने पागल हैं कि लोगों ने अपने बच्चे तक बेच दिए इस फोन के लिए। लेकिन एप्पल सिर्फ अमेरिका में ही ऑफिशियली अपने आईफोन्स को रिफर्बिश करके बेचता है, लेकिन इंडिया में आपको ऑफिशियल एप्पल स्टोर पर कोई भी रिफर्बिश आईफोन नहीं देखने को मिलेगा। भाई फाइव स्टार चॉकलेट तो आपने भी खाई होगी, फाइव स्टार को कैडबरी ओन करता है, लेकिन कैडबरी के दूसरे कंट्रीज में इतने प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें बताने बैठूंगा तो रात ही हो जाएगी, जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सच में भाई इसके कंपैरिजन में तो इंडिया में ये बहुत ही कम प्रोडक्ट्स बेचते हैं। शाओमी इंडिया में अपने फोन्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन क्या आपको पता है दूसरी कंट्रीज में इसका एक रोबोट भी आता है जिसे कुछ 972 पार्ट्स से मिलाकर बनाना पड़ता है, जिन्हें जोड़कर आप डायनासोर भी बना सकते हो। और अमेज़न, जिसे लाइफ में आपने कभी ना कभी यूज किया होगा शॉपिंग के लिए, लेकिन यूएसए में उसकी खुद की मार्ट है जिसकी शॉपिंग कार्ट ही मेरे दोस्त से ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि जैसे जैसे उसमें आप प्रोडक्ट रखते हो वो उन सबको खुद ही डिटेक्ट करते हैं और उनका प्राइस भी ऐड करती रहती है, जिससे बहुत आसानी और टाइम बच जाता है। भाई ये तो आपने जान लिया, ये तो ठीक है, पर क्या भी जानते हो कि बाहर के देशों में
सोशल मीडिया कैसा दिखता है। ऐसी कौन सी सुपर पावर है जो हम सबको एक महीने के लिए मिली थी। कैसे आप अपने हाथों और पैरों के नेल्स को एक ही साथ काट कर एक जादू देख सकते हो। भाई इसे अभी दबाओ, बहुत मजा आएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।